अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। तो आज मैं लाई हूँ बहुत ही आसान मटन शोरबा बनाने की रेसिपी। यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 से 3 किलो मटन। इसको मैंने कर लिया बहुत ही अच्छी तरह से वॉश। दूसरी साइड पे ले लिए मैंने 2 प्याज, 2 लहसुन और थोड़ा सा अदरक। अगर आप अदरक ज़्यादा भी डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट ही आता है। अब हम ले लेंगे एक प्रेशर। प्रेशर को हम कर लेंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से वॉश। साथ ही हम ले लेंगे एक ग्लास जिसमें हम ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल आपने हाफ ग्लास ऐड करना है, जितना कि मैं कर रही हूँ आपने भी इतना ही ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। फ्लेम आपने फुल रखनी है। हमने लहसुन और प्याज को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया था तो मैंने इसमें लहसुन और प्याज को ऐड कर दिया। अब मैं इनकी भुनाई कर लूँगी। दूसरी तरफ हम अदरक ले लेंगे। अदरक को भी हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। यहाँ पे देखें प्याज तकरीबन लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अदरक को आपने ब्लेंड करके डालना है। प्याज़ों की खुशबू आपको आ ही रही होगी, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। यहाँ देखें ये तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मटन को। हमने सारा मटन ऐड कर देना है और इसके बाद आपने इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। यहाँ आप देख सकते हैं मटन ने अपना पानी छोड़ा है। इस पानी के खुश्क होने तक हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून सूखा धनिया का। थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। आप ये ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, मैंने हसबे जायका ऐड किया है। आपने इसमें 2 टेबल स्पून नमक के भी ऐड करने हैं। मेरे से वो पार्ट स्किप हो गया मगर आपने ऐड करने हैं। अब हम करेंगे इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई। बहुत ही ज़्यादा प्यारी खुशबू आ रही है। अभी तो बुनाई हुई नहीं तो खुशबू पहले से ही आ रही है। यहाँ पे पानी खुश्क हो चुका है और खुशबू तो इसकी अल्हम्दुलिल्लाह याड़ा मोहल्ला तक जाएगी। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 3 मेथी दाने। ये इससे जो खुशबू होती है ना वो और ज़्यादा आती है। आप कभी ट्राई करके देखिएगा, इसका टेस्ट बिल्कुल आपको जैसे किसी देसी रेस्टोरेंट में आप चले जाएँ, बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप टेस्ट आएगा आपको। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसकी बुनाई करते रहना है। आप जब ये मटन पतीली के साथ लगे तो आपने इसमें पानी ऐड करना है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी अदरक। अदरक आपने ब्लेंड करके पहले से ही रखना है। अब मैं इसमें 3 लौंग, 1 दालचीनी और 3 छोटी इलायची ऐड कर दूंगी खुशबू के लिए। अब ये भी मैं मटन में ऐड कर दूंगी। बुनाई के दरमियान ही आपने ये ऐड करना है क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है ना वो 4 मोहल्ले तक जानी चाहिए, नहीं तो फिर आपकी हांडी पकाने का कोई फ़ायदा नहीं। मटन को आपने वेट नहीं लगाना, इसकी हम कच्ची बुनाई करते हैं जिससे जो इसकी स्मेल होती है वो मर जाती है और खाने के दरमियान आपको फिर इसकी स्मेल भी नहीं आती। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 से 2 छन्नी दही की। मैंने यहाँ पर जमी हुई ली है फ्रीज़र की, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। तो इसको डाल के हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। 15 से 20 मिनट आपने पहले उसकी सिंपल बुनाई करनी है, फिर आपने योगर्ट ऐड करनी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 6 से 7 टमाटर, आपने ब्लेंड करके रख लेने हैं। और जब दही की बुनाई अच्छी तरह से हो जाए, खुशबू आपको आ ही रही होगी तो, और आप इसको देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत ये गोश्त लग रहा है। अभी कच्चा ही इतना प्यारा लग रहा है तो पक के कितना ज़्यादा प्यारा लगेगा। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। आपने सारे टमाटर ब्लेंड करके इसमें ऐड कर देने हैं। ये टमाटर फ्रीज़र वाले थे, आप फ्रेश टमाटर भी ले सकते हैं मगर मेरा आपको यही मशवरा है कि आप वो भी ब्लेंड करके इसमें डालें। अब हम टमाटरों के साथ इसकी बुनाई करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। आपने साइड से मसाला उतारते रहना है। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो रही है और सारा मज़ा ही बुनाई का है। ये देखें किस कदर प्यारी बोटियाँ लग रही हैं। बुनाई अच्छी होगी तो उतना ही मज़े का शोरबा पकेगा। मैंने इसको 20 से 30 मिनट तक इसकी मैंने बुनाई की है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 4 से 5 हरी मिर्चें। आप लोग हसबे सायका भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 4 से 5 ऐड करें। अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं तो आप कम स्पाइस ऐड कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और ये वाला जो शोरबा मैं बना रही हूँ ये अक्सर पुलाव के साथ भी खाया जाता है मगर नान के साथ खाने से इसका जो मज़ा आता है वो और भी ज़्यादा लजीज लगता है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ।
पानी हम थोड़ा ही ऐड करेंगे और जो साइड पे मसाला लगा था उसको हम इस पानी से अच्छी तरह से उतार लेंगे ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। जैसा कि आप सबको पता है मटन जल्दी पक जाता है, तो मैं इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी। फ्लेम आपने दरमियानी रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो गए थे, अब मैंने वेट को उठा दिया हल्का सा, पूरा नहीं उठाएंगे। अब मैं आपको गोश्त चेक करवाती हूँ। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब आप किसी भी चम्मच से चेक कर लें बोटी पक गई है या नहीं। तो ये अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जलपत्री की सिर्फ छोटी सी चुटकी और साथ में गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा ऐड कर देंगे। इससे जो खुशबू है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी आएगी। शोरबे में ये ऐड करना ज़रूरी होता है। जलपत्री आपने बहुत ही थोड़ी ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, नहीं इसको हम गल लेंगे शोरबे में बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स। अब मैं आपको डिश की फाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। खाने से पहले बिस्मिल्ला लाजमी पढ़ लीजिए और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्ला नहीं आती तो औज़ बिल्ला भी आप पढ़ सकते हैं।